हमारे साथ आज तानिया गुप्ता, सीए इंटर सितंबर 24, ऑल इंडिया रैंक 2 फ्रॉम चेन्नई। अब जो ऑल इंडिया रैंक 2 है वो भी स्पेशलिस्ट टर्म में, जब पास परसेंटेज 5% था, उनका क्लियर होना बड़ा मुश्किल था, उस समय ऑल इंडिया रैंक 2 कैसे आया तानिया, जरा बताओ। सर आई, मेरे लिए तो पास होना ही बड़ा बात था। मेरे को तो लगता है कि रैंक तो उस भगवान का ही देन है। अभी मेरे को तो अभी तक बिलीव भी नहीं हो रहा है कि रैंक है, अभी तक लगता है एक ड्रीम है। मेरे को सोने से डर लग रहा है कि उठूंगी तो पता चलेगा सब सपना ही था। एंड आई जस्ट फील फोकस और डिटर्मिनेशन ही इज द की टू सक्सेस। परफेक्ट परफेक्ट। तो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन था कि टॉप 3 में आएगा, कोई रैंक भी आएगा, ऐसा कुछ भी? सर एक्चुअली हम लोगों का टैक्स का पेपर इस बार बहुत हार्ड था, तो मेरे को तो ये भी डाउट था कि क्लियर होगा कि नहीं। तो मैं मम्मी को बस बोल रही थी कि मम्मी पास हो जाओ, वो ही बहुत बड़ी बात होगी। तो रैंक तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो पहले क्या मार्कशीट चेक किया कि पहले रैंक लिस्ट चेक किया? सर एक्चुअली मेरे को आईसीआई के प्रेसिडेंट का कॉल आ गया था बिफोर दी मार्क्स रिलीज, तो उससे पता चल गया था। बट उसमें भी मुझे लग रहा था कि वो प्रैंक कॉल है, तो मेरे को बहुत टाइम लगा एक्चुअली मैं बिलीव करने में कि वो एक्चुअल कॉल था। ओके करेक्ट। और जब एक बार रैंक 2 देखा उसके बाद तो बाप रे, 2 मिनट समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या। सो मैं तो खुशी के आंसू रोने लग गई थी। करेक्ट। इनफैक्ट मेरे को ध्यान है जब कल तानिया का फोन आया तो जो पहला चीज बोली, नाम नहीं बताई, कुछ नहीं बताई, बोली मैं कैलकटा आ रही हूँ 1 लाख रुपया लेने के लिए। तो उसको समझ में आया कि हुआ क्या है, कि कॉस्ट पे 100 आया, टॉप 3 आया। फिर हम आगे जब हम लोग बात किए तो पता चला कि ऑल इंडिया रैंक 2, तो जबरदस्त जबरदस्त। यस सर, आप क्लास में हमेशा बोलते थे कि रैंक होल्डर्स आपको कॉल करके 1 लाख रुपए मांगते हैं, तो मैंने बोला मैं भी वही चीज करूंगी। करेक्ट करेक्ट। हाँ इनफैक्ट पहला क्लास में बोला था टॉप 3 वाले या फिर हमारे सब्जेक्ट में 100 में 100 आने पे 1 लाख पक्का। चलो एकदम पक्का रहेगा। अब जरा आप देखो जनवरी में अब एग्जाम है, लोग को बड़ा टेंशन है कि हम लोग आगे क्या पढ़े कैसे पढ़े, तो थोड़ा सा गाइडेंस कि किस तरीके से किया जाए, क्योंकि कल के रिजल्ट के बाद लोग है बहुत टेंशन में, तो फिर थोड़ा सा गाइडेंस। सर आई फील प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। मैंने हर चीज़ बहुत मतलब प्रॉपरली प्लान करके रखा था। मेरे पास एक डायरी होती थी, उसमें मेरे को कितना घंटा पढ़ना है, कौन से घंटे में कितना चैप्टर्स कवर करना, कितना टॉपिक्स कवर करना, मैंने वो तक प्लान कर रखा था। तो आई फील मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्लानिंग ही था, बिकॉज मैं 10-12 घंटा एक साथ पढ़ने वाले में से नहीं हूँ। मेरे को हर 1-2 घंटे के बाद ब्रेक चाहिए, मेरे को सोशल मीडिया भी यूज़ करना होता है, मुझे बाहर घूमना जाना भी बहुत पसंद है। तो एक बैलेंस क्रिएट करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, एंड ब्रेक्स नेसेसरी होता है। लाइक स्ट्रेस तो सबको होता है सर, स्ट्रेस इज आई वुड से एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जर्नी, स्ट्रेस एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी होता ही है। तो आई वुड से कि पैनिक मत करो, सम नहीं आ रहा, एडजस्टमेंट नहीं आ रहा, किसी को नहीं आता है पहले टाइम में। आई वुड जस्ट से रिपीट, मतलब रिपीट मत करो मिस्टेक्स, अपने मिस्टेक से लर्न करो रादर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आप ऑन एन एवरेज एवरी डे कितना पढ़ती थी? सर मेरे को नहीं लगता है मेरा 7-8 घंटा से ज्यादा कभी भी हुआ होगा। मैं नहीं पढ़ सकती, 7-8 घंटे के बाद ही मेरे को सब कुछ उल्टा उल्टा दिखने लगता था, मेरे सामने लेटर्स चकराने लगते थे, तो उससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकती। बट वो जो 7-8 आवर्स है वो एकदम फुल इफेक्टिव, कि मतलब फोन भी उधर बगल में ही है और मतलब आप बीच बीच में पढ़ रहे हो, बीच बीच में फोन चेक कर रहे हो, ऐसा कि नहीं? 7-8 आवर्स मतलब प्रॉपर 7-8 आवर्स? नहीं सर, प्रॉपर 7-8 आवर्स। मैंने एक टाइमर खरीद के रखा था अपने पास एंड वो मेरे टेबल पे रहता था, तो मैंने हर 2 आवर्स के बाद 20 मिनट्स का ब्रेक या फिर हाफ एन आवर का ब्रेक, एंड मैं लंच टाइम को या फिर डिनर टाइम को अपना ब्रेक की तरह यूटिलाइज करती थी। तो खाते खाते कुछ सीरीज देख लिया, मूवी देख लिया, तो मैं उस हिसाब से अपना ब्रेक्स लेती थी। करेक्ट करेक्ट। अब जो एग्जाम का वो जो 12 डेज है, आई थिंक वो सबसे बड़ा खतरनाक होता है। मैक्सिमम लोग 2-3 एग्जाम के बाद ही बेचारे बड़े चाप में आ जाते हैं, बीच में एक एग्जाम थोड़ा सा खराब चला गया तब भी मोटिवेशन को बरकरार रख के वो 12 दिन, वो 12 दिन निकालना, जब आदमी नींद के लिए तरस रहा है, पिछला एग्जाम शायद उतना अच्छा नहीं गया, वो कैसे मैनेज किया जाए? सर मैं जैसे मैंने अपने इमोशंस भी प्लान करती हूँ, तो जैसे टैक्स का पेपर बहुत गंदा है, टैक्स का पेपर जैसे बहुत गंदा गया था, तो मैंने अपने आपको बोल रखा था कि तानिया तुम्हारे पास 1 घंटा है रोने के लिए, 1 घंटा में जितना रोना है, जितना बुरा फील करना है कर लो, उसके बाद कॉस्ट पे फोकस करना है। तो मैं 1 घंटा आई, मैं मम्मी के पास गई, मैं रोई, मैंने मम्मी को बोला मम्मी लगता नहीं है कि क्लियर भी होगा कि नहीं पेपर, बस। तो फिर मैंने 1 घंटा अपने आपको स्ट्रेस में रखा, उसके बाद मैं भूल गई उस पेपर के बारे में, मैंने भूल मतलब मैंने अपने आपको भुला दिया था कि मैंने टैक्स का पेपर भी लिखा है, और मैं कॉस्ट पे फोकस करने लग गई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इनफैक्ट ये हम लोग के लिए भी अच्छा चीज है सीखने के लिए, इमोशंस का भी प्लानिंग किया जाता है। चलो वेरी नाइस। अब प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों ही चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है पूरे सीए इंटर के जर्नी में,
तो प्रैक्टिकल थ्योरी साथ में पूरा बैलेंस किया गया था या प्रैक्टिकल ज्यादा पसंद है थ्योरी ज्यादा पसंद, ये कैसे कैसे बैलेंस किया गया? सर मेरे को प्रैक्टिकल ऑब्वियसली ज्यादा पसंद था, मेरे को थ्योरी से मेरे को बहुत डर लगता था इनफैक्ट, लेकिन मैंने क्या डिसाइड किया था, हाँ लाइक एवरी अदर स्टूडेंट, तो मैं एक साथ कभी भी रिवाइज करते वक्त भी दो सब्जेक्ट लेती थी, एक थ्योरी एंड एक प्रैक्टिकल, तो मैं मेरे को फील होता है कि मॉर्निंग में मेरा पढ़ाई बेटर होता है एंड मेरा प्रोडक्टिविटी उस समय सबसे अच्छी होती है, तो मैं 6 o'clock उठती थी एंड मैं फर्स्ट 2 to 3 hours जब मेरा फोकस सबसे हाई होता है उस समय मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ती थी एंड उसके बाद थ्रू आउट द डे मैं सम्स करती थी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स उठाती थी। परफेक्ट 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 नाइस, तो फिर ये तो हो गया चलो प्रैक्टिकल थ्योरी, अब आगे का क्या प्लान, अब आगे आर्टिकेशिप और का और अब फाइनल का तैयारी, अब रैंक 2 के बाद अब एक रैंक 1 बचा। राइट सर, एक्चुअली मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मेरे को कौन से फील्ड में घुसना है आर्टिकलशिप में, आई वांट टू एक्सप्लोर एवरी एरिया बिकॉज़ आई डोंट नो व्हिच एरिया आई वुड बी द बेस्ट इन, तो आई एम गोना अप्लाई एवरीवेयर, आई एम गोना सी व्हिच इज द बेस्ट रोल फॉर मी जो मेरे को सूट करता है, जहां पे मेरी इंटरेस्ट बैठती है एंड ऑब्वियसली अब नेक्स्ट गोल AIR 1 है, को सी फाइनल। Perfect, perfect, perfect. All the best for this. Yes, yes. All the best. तो एक दो ऐसे थोड़े से अलग questions. Like आपने अभी बताया कि आपने tax के बाद मम्मी को जाके बोला कि पता नहीं पास भी होंगी कि नहीं, let's see. और उसके बाद जब रिजल्ट वाले दिन रैंक 2 आया, तो ये भी आपने जाके आई एम श्योर फर्स्ट उन्हीं को बताया होगा, तो व्हाट वाज हर रिएक्शन? मेरी मम्मी मेरे को मतलब गले लगा के रोने लग गए एकदम, हम लोग दोनों बस रोए जा रहे एंड वी आर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम एवरीवेयर एंड माय डैड जस्ट सॉ अस क्राइंग एंड मेरे डैड को लगा कि क्लियर नहीं हुआ एट फर्स्ट, सो मेरे को बोल रहे बेटा इट्स ओके नेक्स्ट अटेम्प्ट में, फिर मैंने बोला पापा नहीं नहीं रैंक 2 आया एंड देन ही आल्सो स्टार्टेड क्राइंग। ओह नाइस नाइस नाइस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत ही फैंटास्टिक इमोशंस वो जो रहता है ना, इनफैक्ट ये सब बात करके हम लोग को अपना टाइम याद आ जाता है जब हम लोग का रिजल्ट आता था, हम लोग को भी किस तरीके से शेयर करते हैं सबके साथ। करेक्ट, अब ये ऐसा मोमेंट है जो शायद आपके पास पूरे जीवन भर ये आपको एक याद की तरह रह जाएगा, कोर मेमोरी, और स्पेशली रिजल्ट आने के बाद तुम्हारा तुम्हारे फैमिली का हमारा दिवाली और फैंटास्टिक हो गया। करेक्ट, यस सर, तो जनरली वही हम हमेशा बोलते हैं, हां जनरली हम लोग हमेशा बोलते हैं कि स्टूडेंट हम लोग को थैंक यू बोलते हैं, पर कभी ऐसा रिजल्ट आए ना तो जीवन में बहुत कम ऐसा मौका होता है जब टीचर स्टूडेंट को थैंक यू बोलता है, थैंक यू सो मच ऐसा फैंटास्टिक रिजल्ट के लिए, हमारे डे को इतना फैंटास्टिक बनाने के लिए, ये पूरा साल को अच्छा बनाने के लिए। सो बट सीरियसली आप लोगों का गाइडेंस ही मतलब एक एक यू नो एक पाथ मेरे लिए पेव किया है फॉर दिस जर्नी, मतलब आई वुड हैव बीन लॉस्ट अगर मेरे को नहीं पता होता कि कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितना फोकस करना है, बिकॉज क्लासेस में हम लोग सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, वी लर्न कहाँ प्रायोरिटाइज करना होता है, कहाँ पे फोकस करना होता है, कौन सी चीज हम लोगों को लेट गो करना होता है, तो आई थिंक दोज वर ऑल यू नो दे प्लेड अ मेजर रोल इन माई एंटायर स्टोरी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो मेन प्रिपरेशन अच्छा रहे, स्ट्रेस को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, अच्छे से प्लान करे, तो आई थिंक कोई ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है, बस हर चीज एकदम सबको सही होना चाहिए। राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और तान्या एक और चीज फॉर द स्टूडेंट्स मेनली, जब आप भी पढ़ रहे थे ये प्रिपरेशन वाला जर्नी जब चल रहा था उस समय, आई एम श्योर यू मस्ट बी एमिंग फॉर अ रैंक, बट होप्स अपने होप रहता है, बट कॉन्फिडेंस इश्यूज तो कहीं ना कहीं आ ही जाता है, डर लगता है कि पास भी हो पाएंगे कि नहीं, तो उस समय आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करती थी? सर एक्चुअली स्ट्रेस तो ये कि क्लियर होगा कि नहीं हर स्टूडेंट को रहता है, याद रहेगा कि नहीं, कितनी बार भी पढ़ लो बुक खोल के देखते तो कुछ याद ही नहीं रहता है ऐसा लगता है, लेकिन आई फील मेरा फैमिली बहुत सपोर्टिव था, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को 24/7 मेरा केयर किया, रात में पैनिक अटैक होता है तो मम्मी उठती थी पापा उठते थे, मेरा भाई जो इतना आवाज करता है 9 महीने आई डोंट थिंक उसने कुछ आवाज भी किया होगा घर में, तो जब इतना सब लोग मेरे लिए गिव अप कर रहे थे, इतना सैक्रिफाइस कर रहे थे, तो मेरे मन में था कि मेरे को भी उनके लिए कुछ ना कुछ तो रिटर्न में देना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, और जबरदस्त चीज दिया गया, बहुत ही थैंक यू सर, मतलब पूरा फैमिली एक साथ एग्जाम देता है। करेक्ट करेक्ट, एग्जैक्टली सर, सीए का तो एग्जाम ऐसा ही है कि एक जन एग्जाम नहीं देता है, पूरा फैमिली प्रिपेयर करता है उसके लिए। वेरी परफेक्ट, चलो अब और ज्यादा टाइम तुम्हारा लेंगे नहीं, आज दिवाली वाला दिन एंजॉय करो, और कि जैसा मेरा पहला क्लास में एक वादा किया हुआ रहता है कि जो भी सीए इंटर में ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3 आए या किसी का हमारे सब्जेक्ट में 100 out of 100 आए तो 1 lakh डिजर्व करते हैं, तो आप पूरा पूरी 1 lakh डिजर्व करते हैं,
अब सिर्फ चेन्नई में तो अभी तुरंत तो यहाँ पे बुला सकते नहीं है, पर आज मेरे ख्याल से इससे अच्छा दिन कुछ रहेगा नहीं। तो आपका यूपीआई आईडी मैंने मांगा था, अभी तुरंत चेक करते, मोबाइल आपके सामने है? यस सर। ठीक है, बस एक मिनट का टाइम दो। यस सर। ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है एकदम, मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा है सर, ये मोमेंट हो रहा है अभी भी। डोंट वरी, आपके साथ प्रैंक नहीं हो रहा। जी कॉपी कर लो उसको, कॉपी पेस्ट कर। चलो वेरी नाइस। तानिया गुप्ता ऑल इंडिया रैंक 2 सी एंटर सितंबर 24, आपको अभी तुरंत हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं यूपीआई से 1 लाख, पेमेंट सक्सेसफुल। आप प्लीज कंफर्म करो आपको मिला या नहीं। यस सो गॉट इट। चलो वेरी नाइस। तो ये हम लोग की तरफ से एक छोटा सा जेस्चर। खैर ये जो तुम्हारा अचीवमेंट है इसका कोई, इसमें तो कोई वैल्यू हो ही नहीं सकता, पर ठीक है, एज अ स्मॉल जेस्चर हम लोग की तरफ से एक दिवाली गिफ्ट अपने अचीवमेंट के लिए। और जब भी कभी कैलकटा आओ, कभी भी कैलकटा आओ या हमारा चेन्नई आना होगा, तो हम लोग डेफिनेटली मिलेंगे और इसको और अच्छा सेलिब्रेट करेंगे। डन सर, थैंक यू सो मच सर। चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब आराम से दिवाली एंजॉय करो और मस्त पार्टी करो। And congratulations once again. एकदम congratulations. Thank you, sir. Okay. चलो bye bye. Bye bye. Bye sir.